तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा फ्रूट बास्केट मूवी को हिंदी लैंग्वेज में। तो पहले बता देता हूँ कि जिन्होंने फ्रूट बास्केट सीरीज के 3 सीजन पहले नहीं देखे हैं, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, तीनों के तीनों सीजन आपको मिल जाएगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनिमी सीरीज है यह मूवी। आप वो सीरीज देखे बिना भी समझ सकते हैं, लेकिन आपको इस मूवी को पूरी तरीके से समझना है तो भाई वो सीरीज देखना जरूरी है। लेकिन उस सीरीज को देखे बिना भी इस मूवी को आप बेसिकली समझ लेंगे। और जिन्होंने भी फ्रूट बास्केट सीरीज देखी है उनके लिए तो ये मूवी बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। तो बात करते हैं इस मूवी के बारे में, तो ये मूवी पूरी किस पर है। तो ये मूवी पूरी की पूरी होंडा के मॉम की स्टोरी पे है, यानी कि कियोको। उनके बचपन से लेकर शादी से लेकर होंडा के जन्म तक की पूरी स्टोरी हमें इस मूवी में देखने को मिलेगी। इस मूवी में हमें होंडा की मॉम का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाया गया है। और इस मूवी में हमें जो लव स्टोरी दिखाई गई है होंडा की मॉम और उसके डैड की, काफ़ी ज़्यादा मस्त। और फ्रूट बास्केट है तो भाई इमोशनल तो होने वाला है। और इस मूवी में एक और बात करूँ तो ये मूवी हमें काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें सीखा जाएगी, तो भाई एक भी सीन इसमें से मिस मत करना। तो चलो दोस्तों स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें कियो की सारी स्टोरी बताई जाती है। कियो का बचपन कैसा था, वो होंडा को कैसे मिला और होंडा को मिलने के बाद वो कैसे चेंज हुआ, उसकी लाइफ में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, वो क्यों ऐसा सोचता था कि होंडा की मॉम की डेथ उसकी वजह से हुई थी। इन शॉर्ट वो सारी स्टोरी हमें शॉर्ट में पहले दिखाई जाती है। कियो एंड होंडा के मॉम का कैसा रिलेशन था, वो कैसे मिले थे। फिर उसके बाद मूवी की मेन स्टोरी स्टार्ट होती है, जहाँ पर हमें होंडा की मॉम यानी कि कियो को दिखाई जाती है, जो रास्ते के बीच में इंजर्ड पड़ी हुई होती है। एंड उसे देखकर आसपास की लेडीज कह रही होती है कि देखो इसे कैसी लग रही है, हमें इसके पास नहीं जाना चाहिए, ये डरावनी लग रही है। एंड तभी वहाँ पर कियो को जागती है और वो अपना सैंडल उन पर फेंकती है। कियो को कहती है कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, क्या तुम लोगों को मेरी मार खानी है। एंड वहाँ पर वो लेडीज लोग भागने लगती है और वो जाते हुए कहती है कि पता नहीं कैसे इसके पेरेंट्स ने इसे बड़ा किया होगा। एंड वहाँ पर हमें कियो को बताती है कि मैं अपनी एडल्ट एज में आने से पहले ही ऐसी हो गई थी, मैं एक बुरी गैंग के साथ मिल गई थी और सारे बुरे काम करती थी। एक फादर जिसने अपनी फैमिली को कभी भी टाइम नहीं दिया, और एक मदर जो सिर्फ अपने पति और खुद के बारे में सोचती है, वो कभी साथ में ठीक से नहीं रहे। इवन मेरे साथ भी साथ रहना चाहिए तब भी मेरे साथ साथ में नहीं रहे थे। एज ए पेरेंट्स उन्होंने अपने बच्चे को कभी भी हक भी नहीं किया है। फिर उसके बाद कियो को अपने घर आती है, जहाँ पर उसके पापा उसे थप्पड़ मारते हैं और वो कहते हैं कि तुम निकल जाओ, तुम फालतू हो, तुम जैसी लड़की किसी भी काम की नहीं है, सुन लो दोबारा ऐसी गलतियां मत करना। एंड तभी वहाँ पर कियो की मॉम कहती है कि कियो को क्यों, तुम ऐसा क्यों करती हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारे पापा मेरे सामने कितना गुस्सा निकालते हैं, तुम्हें पता भी है कि लोग कैसा सोचते हैं, मुझे बताओ तुम ऐसा क्यों करती रहती हो। एंड तभी वहाँ पर कियो को गुस्सा होकर अपना हाथ मिरर में मारती है और वो कहती है कि अगर ऐसा ही है तो तुम्हें मुझे जन्म ही नहीं देना था, तुम्हें किसने कहा था कि तुम मुझे जन्म दो। फिर वहाँ पर हमें दिखा जाता है कि कियोको को ना ही अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट था और ना ही अपने गैंग के मेंबर पे ट्रस्ट था। वो रात को अपने गैंग मेंबर्स के साथ बाइक राइड पे निकल जाती थी, उसे जहाँ भी जाना था वहाँ पर वो जाती थी अपनी मर्जी से। फिर उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ टीचर्स कियोको को धमका रहे होते हैं कि तुम्हारा बिहेवियर स्टाइल कैसा है, क्या तुम कूल बनने की कोशिश कर रही हो। फिर उसके बाद टीचर्स उसे एक रूम में ले जाते हैं और वहाँ पर वो कहते हैं कि तुम सुधर जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी वजह से दूसरे स्टूडेंट भी बिगड़ रहे हैं। एंड वहाँ पर भाई कियोको का माइंड गर्म होता है और वो चेयर उठा के हमला कर देती है। कियोको कहते हैं कि तुम सब चुप हो जाओ, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोगों से मैं डरती हूँ। और लिटरली कियोको वहाँ पर हमला कर देती है, कुछ टीचर तो डर के भाग जाते हैं और वहाँ पर एक टीचर कहता है कि तुम यहीं पर रहना, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाता हूँ। कियोको कहती है कि तुम लोग भाग के कहाँ जा रहे हो और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लोग मुझे देखने के लिए यहाँ पर आएंगे भी। एंड तभी हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि कियोको के पीछे एक टीचर खड़ा होता है। एंड वो कहता है कि क्यों तुम इतने गुस्से में हो। कियोको कहते हैं कि अब तुम कौन हो बे। कियोको कहते हैं कि तुम भी मुझे ज्ञान दोगे, यहाँ से निकल जाओ स्टूपिड। वो टीचर कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी समझाने नहीं वाला हूँ। कियोको कहते हैं कि इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, अब निकल जाओ यहाँ से। टीचर कहता है कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें लेकर क्यूरियस हूँ कि तुम ऐसे एंगर हो। कियोको कहते हैं कि स्टॉप इट, सब लोग फालतू है, सब लोग मतलब सब लोग फालतू है, मैं सबको नफरत करती हूँ, सब लोग मुझे कचरे की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन तुम लोग बेटर नहीं हो, तुम सब गायब क्यों नहीं हो जाते, तुम जैसों को तो मर जाना चाहिए, मर जाओ तुम सब। एंड वहाँ पर कियोको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और इमोशनल एक साथ थी। एंड तभी वहाँ पर वो टीचर कहता है कि पर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हारी केयर करें, मैंने सही कहा ना, तुम चाहती हो कि वो लोग तुम्हें नोटिस करे, तुम चाहती हो कि कोई तुम्हें एक्सेप्ट करे, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। कियोको कहती है कि मैं ऐसी क्यों हूँ, मुझे ये समझना है। और वहाँ पर वो रोती है, मेरी क्या गलती है, मैं सैड क्यों हूँ, मैं अकेली क्यों हूँ, मेरी क्या गलती है, मैं सैड क्यों हूँ, मैं अकेली क्यों हूँ। एंड वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रोती है।
एंड वहाँ पर वो टीचर कहता है कि तुम सैड हो तो चलो, एंड वो कियोको का हाथ पकड़ के उसे बाहर ले जाता है। कियोको कहती है कि हे तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। वो टीचर कहता है कि बाय द वे आई एम कासुया होंडा, नाइस टू मीट यू। एंड वहाँ पर हमें कियोको कहती है कि उसे लेकर मेरी पहली इंप्रेशन ऐसी थी कि वो एक अजीब टीचर था। फिर उसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं। कियोको कहती कि हे ये सही रहेगा। कासुया कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। कियोको कहते हैं कि आफ्टर ऑल तुम एक टीचर हो और ये तुम्हारे लिए डेंजरस नहीं रहेगा कि तुम एक स्टूडेंट के साथ यहाँ पर आए हो। कासुया कहता है कि डोंट वरी, मैं सिर्फ नॉन सो मोटिवेटेड इन टीचर ट्रेनिंग हूँ। कियोको कहते हैं कि क्या तुम टीचर नहीं हो। फिर वहाँ पर अभी कियोको बताते हैं कि वो मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों पेश आ रहा था मुझे नहीं पता। कियोको समझ नहीं पा रही थी कि वो उसके साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा था। उस दिन वो दोनों पहली बार मिले थे, उसके बाद कासुया उसे रेस्टोरेंट में बुलाता था और एक कियोको के लिए थोड़ा अजीब था। कियोको कहते कि हे क्या तुम मुझसे परेशान हो। कासुया कहते कि तुम क्या सोचती हो इसके बारे में। कियोको कहते कि तुम मुझ में इंटरेस्ट ले रहे हो। एंड वहाँ पर कियोको के हेयर पर कासुया अपना हाथ सराहता है और वो कहता है कि ये तुम बोल रही हो मिस नो आईब्रो। और ये सुनते कियोको शर्मा जाती है और वो कहती है कि मुझे ऐसे ही टच मत करो। कासुया कहता है कि हाँ आई एम सॉरी। फिर उसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि कियोको और कासुया साथ में बैठे होते हैं, जहाँ पर कियोको कहती है कि तो क्या अब सारे टीचर तुम्हें बोल रहे हैं क्योंकि तुम स्कूल के बाहर मेरे साथ थे। कासुया कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने उन्हें कह दिया था कि तुम बीमार थी इसलिए मैंने तुम्हें बस घर तक ड्रॉप किया था। एंड एक्चुअली अभी भी मेरे डैड की प्रेस्टीजी मेरे पास है। कियोको कहती है कि क्या उनकी प्रेस्टीजी। कासुया कहता है कि वेल वो अभी रिटायर है, मेरे डैड इसी स्कूल में टीचर हुआ करते थे। कासुया कहता है कि वेल मेरे डैड इसी स्कूल में टीचर हुआ करते थे लेकिन वो अभी रिटायर है। मैंने सुना है कि वो काफ़ी ज़्यादा फेमस टीचर थे उनका बेटा होने के नाते और बाकी सब लोग भी यही सोचते कि मैं टीचर बनूंगा। कियोको कहती है कि अजीब है। कासुया कहता है कि वेल मुझे पसंद नहीं है लेकिन ये कभी कभी बुरा भी नहीं है। अगर मैं ठीक से सोचूं तो प्रेस्टीज बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। अगर मैं कोई गलत काम करता हूँ, मैं रूल्स तोड़ता हूँ, तब भी लोग मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। कियोको कहती है कि यार तुम मोस्ट डिटेटेबल गाय लग रहे हो मुझे। कासुया कहता है कि तुम्हारा थैंक यू। कियोको कहती है कि ओए ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं था। कासुया कहता है कि वेल मेरी आफ्टरनून क्लास स्टार्ट होने वाली है और तुम क्या क्लास छोड़ने वाली हो। कियोको कहती है कि ऑब्वियसली। कासुया कहता है कि मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे क्लास में आओगी, कम से कम एक बार ही सही मिस नो आईब्रो। कियोको कहते कि अभी पागल मेरी आईब्रो है तुम देख नहीं सकते क्या। कासुया कहते कि मैंने बात नोटिस की कि तुम आईब्रोज के साथ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती मिस नो आईब्रो। एंड वहाँ पर कियोको शर्मा जाती है एंड वहाँ पर वो गुस्सा होकर कहती कि देखो मेरी आईब्रो है तो मुझे इस नाम से मत बुलाओ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कियोको अब स्कूल जाना स्टार्ट कर देती लेकिन वो क्लास में नहीं जाती थी। वो दोनों लंच के टाइम में साथ में मिलते थे। कियोको कहती कि तो तुम्हारी तैयारियाँ कैसी चल रही है एंड स्टूडेंट तुम्हें लाइक करते हैं क्या। कासुया कहता है कि सब मस्त चल रहा है, मैं लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता हूँ, ये भी मेरी एक स्पेशलिटी है। कियोको कहते कि क्या कुछ भी बोल रहे हो तुम सच में अजीब हो। कासुया कहता है कि तुम्हारा थैंक यू। कियोको कहते कि मैंने कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। एंड वहाँ पर हमें बताया जाता है कि कियोको को अब कासुया के साथ रहना और बातें करना अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कियोको के गैंग के मेंबर उसे कहते कि तुम कल रात मीटिंग में क्यों नहीं आई थी, क्या तुम अब लड़ना नहीं चाहती। एंड कियोको उन्हें गुस्से की नज़र से देखती है तो वो लड़की डर के वहाँ से भाग जाती है। एंड वहाँ पर कियोको सोचती है कि वो मेरे बारे में क्यों सोचता है, वो मुझे देखने के लिए क्यों आता है, या उसकी कोई जीएपी होगी, ये सच में कंफ्यूजिंग हो रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में कियोको और कासुया साथ में मिलते हैं, जहाँ पर कासुया कहता है कि अब मेरी इंटर्नशिप पूरी हो रही है, मुझे स्कूल छोड़कर अब जाना होगा। कियोको कहती है कि ओके तो क्या अब तुम टीचर बनोगे। कासुया कहता है कि नहीं मुझे नहीं बनना, मैं डैड और लोगों की एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए इस फील्ड के अंदर उतरा था। मैं मानता हूँ कि इस चीज़ को लेकर मैं एक्साइटेड था एक टीचर का अच्छा रोल प्ले करने के लिए, बट एट दी एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे पे सूट नहीं करता, प्लस मैं एक सनकी इंसान भी हूँ। कियोको कहते कि ओ देखा तुमने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि तुम कैसे अजीब हो। कासुया कहता कि मैं मेरी इस साइड को चेंज नहीं कर सकता। कासुया कहता कि मेरे डैड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है एक अच्छे बिहेवियर के लिए, अच्छा बिहेव उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं अपनी रियल साइड को उनके सामने छुपाता हूँ, सोशली एक्सेप्टेबल पर्सन के तौर पर मैं उन्हें खुद को दिखाता हूँ, सब कुछ मेरे लिए सही था। कियोको कहती कि क्या तुम अपने डैड को नफरत करते हो। कासुया कहता है कि सब अपने नज़रे से दिखते हैं, मेरे मॉम के मरने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई थी, हम दोनों के बीच में भी चेंजेस आ गए। एंड वहाँ पर कियोको सोचती है कि ये भी अकेला है, अभी ये पूरी तरीके से अकेला है। कासुया कहता है कि वेल मैं कितने बोरिंग टॉपिक पर बात कर रहा हूँ है ना। कियोको कहती कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और वो मन में सोचती है कि मैं इसे जानना चाहती हूँ, मैं इसे और जानना चाहती हूँ, पर अब मैं इसे नहीं देखना चाहती। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कासुया जाने वाला होता है एंड वहाँ पर कियोको आती है
एंड वो कहती है कि आपका थैंक यू सेंसाई, एटलीस्ट लास्ट डे तुम्हें आपकी क्लास में आई, मुझे अच्छा लगा, पर क्लासरूम मेरे लिए डरावना था, पर मैं आपको ऐसे गुड बाय कहना नहीं चाहती हूँ। एंड वहाँ पर कासुयो अकियोको के पास आता है एंड वो कहता है कि मैं तुम्हें ले जाऊँ जहाँ तुम जाना चाहती हो। फिर उसके बाद कासुयो एंड कियोको समुद्र की ओर आते हैं, जहाँ पर समुद्र को देखकर कियोको पूरी तरीके से पागल हो गई थी। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश थी, वो कहती कि अरिकातो सेंसाई, अब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। कासुयो कहता है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है स्टेटमेंट रियल है या फिर रॉन्ग। कियोको कहती कि रियल है, मैं सच में सोचती हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, आपने ऑलवेज मेरी केयर की है, अब मैं हाई स्कूल भी जा पाऊंगी और अपना बेस्ट दूंगी। एंड वहाँ पर कियोको मन में सोचती है कि आपकी वजह से ही मैं एक अच्छी इंसान बन पाई, आपकी वजह से मैं स्टडी कर पाई एंड मैं अब हाई स्कूल भी जा पाऊंगी, आई रियली लव यू सेंसाई। कियोको कहते कि मैंने अपना चाइल्डहुड गवा दिया, लेकिन अब मैं सब कुछ नॉर्मल करना चाहती हूँ, नॉर्मल गर्ल्स की तरह बनना चाहती हूँ। एंड वहाँ पर वो सोचती है कि क्या मुझे अपनी फीलिंग बता देनी चाहिए, नहीं ये सही नहीं रहेगा। कासुयो कहता है कि तुम ऐसी बातें कर रही हो जैसे कि कोई फेयरवेल है। कियोको कहती है कि बट हाँ यह है, क्योंकि हम अब दोबारा नहीं मिलने वाले। कासुयो कहता है कि तुम भी ना बच्ची जैसी बातें क्यों कर रही हो, देखो यहाँ पर बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर हम मिल सकते हैं। हाँ मे बी ये तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा अकेले स्टडी करना। एंड वहाँ पर हमें बताया जाता है कि उस टाइम कियोको उसकी ओर ही देख रही थी, वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी एंड कंफ्यूज भी थी एक ही टाइम पर। फिर उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि कासुयो फार्मास्यूटिकल कंपनी का एम्प्लॉयर था। फिर हमें दिखाया जाता है कि कासुयो और कियोको मिलते हैं, जहाँ पर कासुयो कहता है कि तुम काफ़ी अच्छी मेहनत कर रही हो, चाहो तो तुम हाई स्कूल एडमिशन टेस्ट पास कर सकती हो। कियोको कहती कि क्या सच में, कासुयो कहता कि बाय द वे आई लव योर न्यू हेयर स्टाइल, काफ़ी प्रीति लग रही हो। कियोको कहते कि स्टॉप इट करो अपने ये फालतू वन लाइनर। फिर वहाँ पर हमें बताया जाता है कि वो दोनों वीकेंड के एंड में मिलते थे और कासुयो उसे स्टडी में हेल्प करता था। फिर एक दिन अचानक सब कुछ चेंज हो गया, कियोको को पनिशमेंट मिली, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कियोको के गैंग के मेंबर्स उसे मारते हैं। वो कहते हैं कि तुम ये छोड़ना चाहती हो, तुम ये सब कुछ छोड़ना चाहती हो, तुम पागल हो, तुम सच में पागल हो, तुम कभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती, याद रखना। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कियोको हॉस्पिटल में एडमिट होती है एंड वहाँ पर वो सोचती है कि क्या अब मैं उसे दोबारा देख भी पाऊँगी। एंड ये सब कुछ होने की वजह से कियोको ने अपना हाईस्कूल जाने का चांस गंवा दिया था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कियोको अपने घर आती है, जहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ, अब तुम इस फैमिली का हिस्सा नहीं हो, तुम हमारी बेटी अब नहीं हो, अब इस फैमिली का हिस्सा तुम नहीं हो, तुम हमारी बेटी अब नहीं हो, अब तुम जैसा जीना चाहती हो जी सकती हो, जैसे मरना चाहती हो मर सकती हो, हमें कोई भी तुमसे अब लेना देना नहीं है। एंड अभी वहाँ पर अचानक से कासुयो आ जाता है एंड वो कहता है कि अगर बच्चे अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को पूरा ना कर पाए तो क्या पेरेंट्स को ऐसा करना चाहिए, वो क्या उनके बच्चे नहीं रहते, फिर आपको क्या लगता है कि बच्चों से एक भी भूल नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहकर आप खुद को पेरेंट्स मानते हो या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की परवाह किए बिना आप अपने बच्चे को छोड़ देना चाहते हो। कियोको कहते हैं कि प्लीज़ शांत हो जाओ सेंसाई। कियोको के पापा कहते हैं कि अब तुम कौन हो, हमारी फैमिली मैटर में क्यों घुस रहे हो। कासुयो कहते हैं कि सॉरी मैंने अपने विचार डायरेक्टली आपको बताए, बट फिर भी आप उस कल के पेरेंट्स हैं जिसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। कियोको के पापा कहते हैं कि शादी वो भी इससे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, क्या तुम सीरियस भी हो इस बात को लेकर। कासुयो कहते हैं कि हाँ मैं सीरियस हूँ, कम से कम आपसे तो ज़्यादा सीरियस हूँ। कियोको के पापा कहते हैं कि वैसे भी मुझे इससे क्या, ये हमारी फैमिली का अब हिस्सा नहीं है। कासुयो कहता है कि ठीक है मैं कुछ दिन बाद आऊँगा मैरिज लाइसेंस डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए। कियोको के पापा कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। कियोको की मॉम कहती है कि आप क्या बोल रहे हैं। कियोको के पापा कहते हैं कि इसे यहाँ से ले जाओ और कासुयो कियोको को वहाँ से लेकर जाता है। फिर हमें कियोको और कासुयो दिखाए जाते हैं, जहाँ पर कासुयो कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मैंने तुम्हारी मॉम को कॉल किया था, उन्होंने कहा था कि तुम आज ही डिस्चार्ज हो रही हो। एंड वहाँ पर कियोको बार बार सेंसाई बोल रही होती है, लेकिन कासुयो उसकी बात नहीं सुन रहा होता है। एंड आखिर में कियोको चिल्ला कर कासुयो बोलती है एंड वो कहती है कि तुमने वो क्यों कहा, तुम सीरियस नहीं हो ना, है ना। कासुयो कहता है कि मैं इसे लेकर सीरियस हूँ, आई एम सॉरी मैंने अचानक ही ऐसे प्रपोजल दे दिया। कियोको कहती है कि देखो मैं ठीक हूँ ओके, मेरे लिए सब कुछ करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कोई बोझ बनना नहीं चाहती हूँ, मुझे ऐसे ही छोड़ दो, तुम समझ रहे हो मैं ठीक हूँ, तो प्लीज़ मेरे लिए इतना सब कुछ करने की कोशिश मत करो। कासुयो कहता है कि यह अनएक्सपेक्टेड है, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। कियोको कहते हैं कि आई डोंट नो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तुमने मुझे ही चूज़ क्यों किया। कासुयो कहता है कि क्योंकि तुम रो सकती हो, जब तुम कहती हो कि मैं अकेली हूँ तब तुम रो सकती हो, एक ह्यूमन की तरह जो सच में अपनी फीलिंग को दिखा सकता है, इसलिए मैं तुम्हारे प्यार में गिरा, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं कभी भी तुम्हारी तरह खुल के नहीं रो सका हूँ।
एक्चुअली तुम हाई स्कूल गर्ल हो तो मुझे तुम्हारे साथ केयरफुल रहना था। मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें फाइनली चूज करूंगा, लेकिन FDN मैंने तुम्हें चूज किया। तुम्हें अभी भी ट्रस्ट नहीं है, अब सब कुछ तुम पर है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ तो एक्सेप्ट मी। एंड वहाँ पर कियोको रोती है एंड वो कहती है कि तुम लोली कौन हो। कासुया कहता है कि तुमने ये वर्ड कहाँ से सीखा। एंड वहाँ पर कासुया कियोको को किस करता है। फिर उसके बाद के सीन में हमें दिखा जाता है कि कासुया एंड कियोको वेंडिंग ड्रेस लेने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कियोको कहती है कि मैं ये नहीं लेने वाली। कासुया कहता है कि वेल मुझे इसकी इतनी परवाह भी नहीं है, लेकिन ये अजीब नहीं लगेगा कि कोई वुमेन अपनी वेंडिंग सेरेमनी में ये ना पहने। कियोको कहते कि देखो यार ये कैसा है, क्या तुम इसे पहनना चाहोगे, मुझे इसे पहनने की ज़रूरत नहीं लगती मुझे। फिर उसके बाद हमें देखा जाता है कि दोनों मैरिज कर लेते हैं, लेकिन उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहने के लिए कोई भी नहीं था। कियोको के पेरेंट्स ने तो उसे ऑलरेडी छोड़ दिया था, और कासुया की पूरी होंडा फैमिली इस शादी के खिलाफ थी, सिवाय उसके पापा। कासुया के डैड कहते हैं कि जब हमारी लाइफ उसके साथ होती है जिसे हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं तो ये सबसे अच्छी बात होती है, एंड तुम दोनों अभी यंग हो। इस शादी के खिलाफ जो कोई भी है उसके बारे में मत सोचो और इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। तुम दोनों हमेशा हैप्पी रहना और सबको साबित कर दो कि तुम हमेशा खुश रह सकते हो एक दूसरे के साथ। एंड वहाँ पर कियोको गुस्सा होती है और वो कहते हैं कि कासुया तुम्हारे डैड वैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसे तुमने कहा था। एंड वहाँ पर कासुया के डैड हंसते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम दोनों मेरे साथ खाना खाना पसंद करोगे। फिर उसके बाद हमें वहाँ पर बताया जाता है कि कासुया एंड कियोको ने डिसाइड किया था कि वो लोग समुद्र की ओर रहेंगे। दोनों की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी, दोनों एक हैप्पी कपल की तरह रह रहे थे। कासुया अपने काम में से हॉलीडे निकाल कर कियोको के साथ घूमने के लिए भी जाता था, एंड वो दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल थे। फिर उसके बाद एक दिन कासुया को पता चलता है कि कियोको प्रेग्नेंट है और वो अकेली हॉस्पिटल गई थी। कासुया कहता है कि तुम अकेली हॉस्पिटल क्यों गई थी। कियोको कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं एक बच्चे को जन्म दे पाऊंगी, मुझे इस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि तुम डैड बनो, तुम्हें बच्चा मिले, लेकिन वो एक ह्यूमन बीइंग होगा। क्या मुझमें इतनी कैपेसिटी भी है कि मैं किसी ह्यूमन को जन्म दे पाऊँ। एक बच्चे को जन्म देना, उसे बड़ा करना, क्या मैं कर भी पाऊँगी। क्या वो मेरी वजह से कभी खुश भी रह पाएगा। क्या पता उसे मेरी वजह से हर्ट होना पड़े, उसे मेरी वजह से दूसरों की बातें सुननी पड़े। क्या होगा अगर वो भी मुझे ऐसा कहेगा कि उसे मेरी जैसी मॉम नहीं चाहिए थी तो। एंड वहाँ पर कियोको वो बात याद करती है जब उसने उसके पेरेंट्स को कहा था कि आपने मुझे जन्म ही क्यों दिया था, आपको किसने कहा था। वहाँ पर कियोको कहते कि मुझे नहीं पता कि मैंने उस टाइम वैसा क्यों कहा था, उस टाइम मेरी मॉम को कैसा फील हो रहा होगा। अगर मेरा बच्चा मुझे ऐसा कहेगा तो मैं तो मर जाऊँगी, मुझे बहुत ही ज़्यादा डरावने थॉट्स आ रहे हैं। कासुया कहता है कि देखो ये बच्चा ह्यूमन बीइंग होगा, सब सही होगा, हम दोनों ही ह्यूमन है। याद करो कौन सी चीज़ हम दोनों को सबसे ज़्यादा हैप्पी करती है, कौन सी चीज़ हम दोनों को सैड करती है। देखो हम उसे बड़ा करेंगे, उसे समझेंगे, उसे सुनेंगे। अगर वो कुछ गलत करेगा तो हम उसे समझाएंगे कि वो गलत है। एंड अगर हम दोनों अपना कंट्रोल कभी घुमा देते हैं या हम उसके लिए कुछ भी गलत कर देते हैं तो हम उससे माफ़ी मांग लेंगे एंड उसे हग करेंगे साथ में। हम ऐसे अपने बच्चे को बड़ा करेंगे। एंड वहाँ पर कियोको सोचती है कि अब मैं अकेली नहीं थी, हम दोनों साथ में थे। कासुया कहता है कि मैं हम दोनों का बच्चा चाहता हूँ, मिस नो आईब्रो। कियोको कहती है कि हाँ। फिर उसके बाद जन्म होता है सबसे ज़्यादा प्रीति और सबसे ज़्यादा क्यूट गर्ल टोहरू होंडा का। फिर उसके बाद के सीन में हमें दिखा जाता है कि कासुया होंडा के साथ खेल रहा होता है। एंड वहाँ पर कासुया के पापा कियोको से पूछते हैं कि इसका नाम टोहरू क्यों रखा। कियोको कहती है कि कासुया का ऐसा कहना है कि इसका मतलब हिडन फ्लावर होता है, जैसे कि आप खाने में नमक डालते हो तो खाना और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। वैसे ही कासुया की लाइफ को होंडा ने और भी ज़्यादा खुशियों से भर दी है। कासुया के पापा कहते हैं कि लॉजिकल भी है और नॉनसेंस भी है। कियोको कहते हैं कि हाँ, पर मैं इसका मतलब समझ रही हूँ। एंड वहाँ पर कासुया के पापा कहते हैं कि जब कासुया ने मुझे कहा था कि वो शादी कर रहा है तब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था, वो कभी भी किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं लेता था, उसे किसी दूसरी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता था। लोग सच में अजीब होते हैं, लोग जब दूसरे लोग से मिलते हैं तब पॉसिबिलिटीज़ का जन्म होता है, अच्छी भी और बुरी भी। मैं उसका अच्छा फादर नहीं बन सका, मैंने उसे कभी भी आज़ाद फील नहीं होने दिया है, जैसे कि मैं उसे एक पिंजरे में बंद रखता था। बट फाइनली वो अब खुद से हैप्पी हो सकता है तुमसे मिलने के बाद, तो तुम्हारा थैंक यू कियोको। कियोको कहती है कि आप गलत समझ रहे हो पापा, कासुया आपको हेट नहीं करता है, अगर वो करता तो वो आपसे मिलने के लिए आता ही नहीं, अगर वो करता तो वो आपसे मिलने के लिए आता ही नहीं। फिर वहाँ पर कासुया कहता है कि मुझे थोड़ी सी सर्दी लग रही है, और वो होंडा को अपने डैड को देखकर घर के अंदर जाता है। एंड कासुया के पापा होंडा को देखकर खुश होते हैं और उन्हें ऐसे देखकर कियोको स्माइल देती है, और वो सोचती है कि सब सही चल रहा था, टाइम बड़े आराम से जा रहा था, टोहरू भी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। फिर उसके बाद कासुया एक बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाता है। फिर हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि कियोको कासुया को कॉल करती है
जहाँ पर कात्सुया कहता है कि मैं जल्दी काम पूरा करके आ जाऊँगा और वो वहाँ पर घास रहा होता है। कियोको कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी कोल्ड है? मैंने तुमसे कहा था ना कि हॉस्पिटल जाना। कात्सुया कहता है कि सॉरी रह गया था। कियोको कहते हैं कि अपना ध्यान रखो और जल्दी वापस आ जाओ, मुझे तुमसे मिलना है। कात्सुया कहता है कि ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूंगा और वैसे भी मैं कल आ रहा हूँ। और होंडा कैसी है? कियोको कहती है कि वो ठीक है, वो अभी सो रही है। कात्सुया कहता है कि ठीक है, तो अब हम होंडा के लिए एक भाई या बहन कब लाने वाले हैं? कियोको कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो? कात्सुया कहता है कि हाँ। कात्सुया कहता है कि ओके, मैं घर जाने के लिए जब निकलूंगा तब तुम्हें कॉल करूंगा। कियोको कहती है कि ठीक है, मैं वेट करूंगी एंड तुम अच्छे से रेस्ट करना एंड हॉस्पिटल जाना भूलना मत। कात्सुया कहता है कि ठीक है, मिस नो आई ब्रो। फिर उसके बाद दूसरे दिन कियोको को कॉल आता है। उसे लगता है कि कात्सुया का कॉल है और वो कॉल उठाती है एंड वहाँ पर वो अचानक ही चुप हो जाती है और उसके हाथ में से फोन नीचे गिर जाता है। फिर हमें वहाँ पर बताया जाता है कि उस दिन सब कुछ चेंज हो गया था। कात्सुया को कोल्ड हो गया था और उसे निमोनिया था, इसकी वजह से वो मर गया था। फिर उसके बाद हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि कात्सुया के घर उसके सारे फैमिली वाले आए थे और वो बातें कर रहे थे कि उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, वो पहले बीमार जैसा था, उसकी वाइफ कुछ भी नहीं कर पाई, उसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, अब इस बच्ची का क्या होगा। एंड वहाँ पर कियोको पूरी तरीके से अंदर से टूट गई होती है एंड वहाँ पर वो सोचती है कि ये फिर से स्टार्ट हो गया, सब मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा ब्लेम कि अब मैं खड़ी भी नहीं हो सकती। एंड वहाँ पर ये सब कुछ होंडा सुन रही होती है। फिर वहाँ पर कात्सुया का अंतिम संस्कार हो जाता है। ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा जल्दी फास्ट हो गया था। फिर उसके बाद कियोको वहाँ पर जाती है जहाँ पर कात्सुया ऑफिस में रहता था एंड मैनेजर उसे कात्सुया के रूम में ले जाता है जहाँ पर कियोको पूरा रूम देखती है, जहाँ पर कियोको और उसकी फैमिली की पूरी पिक थी एंड वहाँ पर वो फोटोज देख रही होती है एंड वहाँ पर वो चिल्ला चिल्ला कर कात्सुया कह रही होती है। वो कहती है कि अब कात्सुया यहाँ पर नहीं है, मैं पूरी तरीके से टूट गई हूँ अब। एंड वो सच में पूरी तरीके से टूट गई थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो बस वहाँ पर रोते हुए चिल्ला रही थी। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कियोको को किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी फील नहीं हो रहा था, वो एक जिंदा लाश की जैसी हो गई थी। एंड होंडा उसकी मॉम को ऐसे देख रही थी और उसकी मॉम इतनी ज़्यादा अंदर से टूट गई थी कि वो होंडा को भी नहीं देख पा रही थी। फिर वहाँ पर कियोको को उसके पेरेंट्स का कॉल आता है जहाँ पर उसके पापा कहते हैं कि तुम सोचना भी मत कि हम तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हमारे घर रहने देंगे, यहाँ आने की सोचना भी मत, हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कियोको कहती है कि क्या आपने ये बताने के लिए कॉल किया था? तो उसके पापा कहते हैं कि हाँ। कियोको कहते हैं कि आपको याद है आपने एक बात बताई थी, हर चीज़ का कोई ना कोई मतलब, किसी को किसी के लिए कोई ना कोई मतलब तो होता है, वो सिर्फ़ एक झूठ था और वो कॉल रख देती है। एंड वहाँ पर कियोको कहती है कि इस दुनिया में किसी को भी किसी की भी ज़रूरत नहीं है, चाहे वो दोस्त हो, पेरेंट्स हो या फिर कोई बच्चा ही क्यों ना हो, कोई मर भी जाए तब भी इस दुनिया में किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर यह बहुत दुख की बात है कि हम अकेला फील करते हैं, यही रीज़न है कि हमें दूसरे ह्यूमन की ज़रूरत पड़ती है। कात्सुया तुम मेरे लिए स्पेशल पर्सन थे, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, लव यू कात्सुया। एंड वहाँ पर होंडा और उसके दादाजी कियोको को ऐसे देख रहे थे। फिर उसके बाद हमें दिखा जाता कि कियोको एंड होंडा टीवी शो देख रहे होते हैं जहाँ पर एक फैमिली शो चल रहा होता है एंड वहाँ पर कियोको खड़ी होती है और वो कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है, तुम कहाँ हो? एंड वो वहाँ से निकल जाती है एंड वो होंडा को अकेले छोड़कर घर के बाहर निकल जाती है। फिर उसके बाद कियोको वहाँ पर जाती है जहाँ पर वो और कात्सुया मिलते थे, यानी कि समुद्र वाली जगह पर। एंड वहाँ पर उसे समुद्र के बीच में कात्सुया दिखाई देता है एंड वो वहाँ पर आगे जाने के लिए बढ़ती है एंड वो नीचे गिरने वाली होती है कि एंड तभी उसे मॉम ऐसी आवाज़ सुनाई देती है एंड वो देखती है तो एक बच्ची अपनी मॉम से बातें कर रही होती है एंड उसे देखकर कियोको को होंडा की याद आती है एंड वो होंडा को मिलने के लिए वहाँ से भागने लगती है एंड वो सोचती है कि मैंने कितने टाइम से उससे बात नहीं की है, मुझे याद भी नहीं है कि क्या इतने दिनों से मैंने उसकी आवाज़ भी सुनी है, क्या मैंने उससे बात भी की है, क्या वो ठीक से खाना खाती थी, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, बस मुझे इतना याद है कि होंडा और उसके दादाजी मुझे देखने के लिए आए थे। एंड वो दौड़ते दौड़ते हुए अपने घर आती है एंड वहाँ पर वो होंडा को देखती है एंड वहाँ पर होंडा अपनी मॉम का वेट करते हुए सो गई होती है एंड वहाँ पर वो अपनी मॉम को देखकर जागती है एंड वो वहाँ पर मुस्कुराती है। कियोको कहती है कि सॉरी आई एम सॉरी एंड वो वहाँ पर रोने लगती है एंड वो होंडा को गले लगाती है और वो कहती है कि आई एम सॉरी पर अब मैं वापस आ गई हूँ, थैंक यू मेरा वेट करने के लिए, मैं हमेशा से स्टूपिड रही हूँ, हमें खुद हमारे क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना पड़ता है, भले ही हम सोचें कि हमारी इस दुनिया में कोई भी ज़रूरत नहीं है लेकिन हम जीते हैं क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत है, तो अब मैं इसे ऐसा ही सोचकर जीती हूँ, तो तुम इसे कैसे जियोगी। फिर उसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जब कियोको मरने वाली होती है एंड वहाँ पर वो लास्ट टाइम कहती है कि प्लीज़ उसकी हेल्प करना, उसे खुश रखना, तुम भले ही गलतियाँ करो लेकिन आगे बढ़ते रहना। एंड वहाँ पर कियोको मर जाती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कियोको समुद्र के बीच में होती है
एंड वो देखती है तो उसकी ओर कोई आ रहा होता है एंड वो खड़ी होती है एंड वो देखती है तो वो कास्या होता है एंड वो अपना हाथ आगे करता है एंड केओ को भी अपना हाथ आगे करती है। फिर उसके बाद हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसी समुद्र के सामने होंडा होती है जहाँ पर वो कुछ सब्जी लेके जा रही होती है एंड तभी वो वहाँ पर केओ को जाते हुए दिखती है। यार दोनों को फिर से साथ में देखकर दिल खुश हो गया एंड अभी काफ़ी दोनों बड़े भी हो गए हैं। होंडा कहते कि फाइनली केओ तुम वापस आ गए। केओ कहता है कि हाँ और तुम घर की ओर जा रही हो। होंडा कहते कि हाँ और केओ तुम बहुत जल्दी वापस आ गए। केओ कहता कि हाँ और होंडा मेरे आसपास बच्ची की तरह घूमना बंद करो एंड इस थैली में क्या है। होंडा कहते कि टेंशन नॉट ये ज़्यादा भारी नहीं है मैं वहाँ काम कर रही थी वहाँ की वुमेन ने मुझे खुश होकर दी है। केओ कहते कि मुझे भी देखो ये फीस है सोजो के मास्टर ने दी है वो कहते हैं कि मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। तो क्या होंडा हम अभी भी बच्चे हैं। होंडा कहते कि नहीं ये ऐसा नहीं है बल्कि ये इसलिए है क्योंकि हम दोनों ने ही हार्डवर्क किया है तुमने अपना बेस्ट दिया था केओ। केओ कहते कि ओ थैंक यू होंडा बट तुम भी अपना बेस्ट दे रही हो होंडा मैंने सही कहा ना एंड वहाँ पर वो दोनों ही मुस्कुराते हैं एंड वहाँ पर केओ होंडा को किस करता है। फिर वहाँ पर केओ कहता है कि तो चलते हैं अपने घर चलो एंड वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने घर की ओर जाने लगते हैं एंड यहाँ पर ये मूवी होती है फिनिश। तो यहाँ पर फ्रूट बास्केट सीरीज को लेकर हमारी जो भी सफर था जो भी स्टोरी थी वो होती है पूरी तरीके से फिनिश। तो आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और ये वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर जरूर करना और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।